सारे इस मेंस एग्जामिनेशन में आपके चार पेपर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं, आपको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चंस को। और हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल है और आज हम बात करेंगे आरपीएससी के बारे में, मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। हम इसमें बात करेंगे कि आपको ये एग्जाम क्लियर करनी है, आपको ये जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम इसमें बात करेंगे कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एग्जाम कौन कौन से होने तो होते हैं, इसमें मार्क्स कितने होते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। तो आइए हम उस पर बात करते हैं। ये रहे हमारे आरपीएससी के करेंट मेंबर, जिसमें श्री संजय कुमार सरोतिया चेयरमैन हैं, डॉक्टर संगीता आर्या मेंबर हैं, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी मेंबर हैं, श्री बाबूलाल कटारिया सस्पेंडेड मेंबर हैं। अब हम बात करते हैं आरपीएससी की सीट्स के बारे में। टोटल सीट्स 905 होती है, मतलब 905। स्टेट सर्विसेज की सीट्स 424 होती है, लोअर लेवल सर्विसेज की 481 होती है। और इसमें एज क्राइटेरिया, मतलब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके एज कितनी होनी चाहिए, या आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो आपकी एज 21 से 40 साल की होनी चाहिए। अगर आप 21 से 40 साल के बीच में हो या आप 21 से 40 साल के हो तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो, एप्लीकेशन फ़ी भर रहे हो, तो आपको कितने पैसे लगेंगे। तो आइए हम उस पर बात करते हैं। आप अगर जनरल हो एंड रिजर्व तो आपको 600 लगेंगे, अगर आप EWS हो तो आपको 400 लगेंगे, PWD वालों के लिए 400 और SC ST वालों के लिए 150। अब हम एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि इसके पैटर्न्स क्या हैं और इसके मार्क्स कितने हैं। तो प्रीलिम के एग्ज़ाम में एक पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर है, 200 मार्क्स के पेपर होते हैं और आपको इसको करने के लिए 3 घंटे की समय दी जाती है। RAS मेंस एग्जामिनेशन में आपके चार पेपर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं, आपको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चंस को और टोटल मार्क्स आपकी 800 की होती है और ये करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। उसके बाद आता है इंटरव्यू, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट। अगर आपने ये मेंस क्लियर कर लिया, आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आए, तो आप आगे मतलब पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो और ये 100 मार्क्स की होती है और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों ऐड होके आपको फाइनल जो रिजल्ट होता है वो आपके आते हैं। तो हम बात करते हैं फ्लूटेस IAS। आप अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है RPSC की, मतलब स्टेट PCS की, जितने भी स्टेट वाइज एग्जाम्स होते हैं जैसे BPSC, HPSC, RPSC या UPSC की, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है या आपको क्लास कहीं आप देख रहे हो या आपको करना है, तो आप हमारे यहाँ आ सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 26, 27, 28 और 29 को। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।